हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो हमने नेक्स्ट वीडियो में बात की थी कि ब्रिजिंग कार्बोनिल के बारे में, कि ब्रिज में कार्बोनिल हो तो उसकी स्पेक्ट्रल डेटा किस तरह से आते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी में किस तरह से चेंजेस आता है, ये हमने अगले वीडियो में बात की थी। तो अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ मेटल कार्बोनिल की, मेटल कार्बोनिल की सिंथेसिस किस तरह से होती है। तो मेजोरिटी यहाँ पर मैंने तीन मेथड दी है, तो हम लोग वो तीन मेथड का ही डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे उसकी केमिकल रिएक्शन पे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल कार्बोनिल सिंथेसाइज किया जाता है थ्रू डायरेक्ट मेथड। ओके, तो उसमें क्या है थ्रू डायरेक्ट मेथड में, कि मेटल आयन डायरेक्टली कार्बोनिल लिगेंड के साथ रिएक्ट करेगा और मेटल कार्बोनिल प्रोड्यूस करेंगे। तो ये मेथड दी थी मूंड नाम के साइंटिस्ट था, उसने ये मेथड दी थी। तो इसको हम लोग बोलते हैं मूंड मेथड, ठीक है। तो कौन से कॉम्प्लेक्स इसमें सिंथेसिस किए जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनआई मेटल निकल मेटल कार्बोनिल सिंथेसिस किया जाता है, फेरस का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस किया जाता है और कोबाल्ट का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स भी सिंथेसाइज किया जाता है। अब ये रिएक्शन देखिए, तो यहाँ पर मेटल आयन है वो डायरेक्टली रिएक्ट करता है कार्बोनिल लिगेंड से एट वेरियस टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर आपको चेंज करते जाना है, तो यहाँ पर ये मेटल कार्बोनिल प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये मेटल कार्बोनिल है, ये वोलाटाइल लिक्विड है और वेरी टॉक्सिक भी है। तो इसको जब प्रोडक्ट हमको मिलेगा तब इसको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मीन्स केयरफुल रखनी पड़ेगी इसके। अब ये रिएक्शन आप लोग रिवर्स करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एनआई मेटल है वो प्योर फॉर्म में मिलेगा। तो ये उसकी एक एप्लीकेशन हो गई कि रिवर्स रिएक्शन करवाने से एनआई का प्यूरिफिकेशन होता है। तो इसीलिए इस मेथड का यूज़ होता है कि एनआई मेटल को प्यूरीफाई करने में, इसमें से जो और होगी खनिज जो होगी उसमें से। तो ये थी डायरेक्ट मेथड। अब दो कॉम्प्लेक्स इस तरह से कैसे बनते हैं ये भी मैं बताता हूँ आपको। ये है FeCO5, डायरेक्टली मेटल 5 कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करेंगे 200 डिग्री टेम्परेचर और 200 एटमोस्फेरिक प्रेशर में, तो डायरेक्टली हमको ये कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। अब ये ऑरेंज कलर का कॉम्प्लेक्स होता है ये वाला, और ये भी टॉक्सिक सॉलिड होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्योंकि हाईली लो होता है, और बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है 130, वाटर से भी 3 डिग्री ज़्यादा 103। इसी तरह कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स भी इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ये प्रिपरेशन मेथड कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर ठीक है चलेगा। अब दूसरी मेथड ये है कि रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन। तो इस मेथड में क्या है, अब यहाँ पर रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन मीन्स यहाँ पर सीरो लिगेंड है वो रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू एक्ट करेगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स क्या है, ऑक्सीडाइजिंग जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो किसका, वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करते हैं, और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो सामने वाले का रिडक्शन करते हैं। तो ये है उसका डिफरेंस। तो CO रिड्यूसिंग एजेंट है, मीन्स ये सामने कौन है, ये CrCl3, तो उसका ऑक्सीडाइजिंग करेंगे। किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं CrCO6 हो गया और उसमें ऑक्सीजन ऐड हो चुके हैं। ओके, ये जो कार्बोनिल के ऑक्सीजन था वो इसी तरह ये ऑक्सीडेशन हुआ, और ये रिएक्शन किसके थ्रू कैटलाइज होती है, AlCl3 के थ्रू, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के थ्रू। इसी तरह ये कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर CO है वो रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू एक करता है, मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन 7 है तो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे प्रोडक्ट में, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन कर देता है CO और खुद का रिडक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इंक्रीज हो गए, और CO में कितने ऑक्सीजन थे, यहाँ पर 17 ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखिए CO2 7 2 जा 40,
यहाँ पर 14 ऑक्सीजन नहीं है, तो क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो चुका है, इसीलिए वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाएंगे। तो ये इस तरह से भी प्रिपेयर कर सकते हैं रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन से। अब तीसरी मेथड में क्या है कि थर्मली और फोटोकेमिकली भी आप लोग जनरेट कर सकते हैं, जिसमें सेम मेटल कार्बोनिल को आप लोग डिफरेंट फ्रिक्वेंसी आप लोग उस पर एमिट करोगे, तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी, वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होगा। तो ये है थर्मल और फोटोकेमिकल के थ्रू आप लोग मेटल कार्बोनिल जनरेट कर सकते हैं। सो ये तो अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, जिसमें हमने कई तरह के रिएक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट की थी कि है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे एक्टिवेशन रिएक्शन। तो ये एक्टिवेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास कोई कार्बोनिल लिगेन है, और मीन्स कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल का कोई कॉम्प्लेक्स है, उस पर आपको कई तरह के सब्स्टिट्यूशन करवाने हैं उस कॉम्प्लेक्स पर। फॉर एग्जाम्पल आप लोग लुईस बेस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ओलिफिन कंपाउंड कोई हो तो वो भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एरिन हो एरोमेटिक तो वो भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये आप तो ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन आप लोग इस कॉम्प्लेक्स पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं CO को रिप्लेस करके, कार्बोनिल लिगेंड को रिप्लेस करके। किस तरह से होता है, मान लीजिए कि ये CrCO6 क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर यहाँ पर प्रोडक्ट में देखिए तो ये THF टेट्राहाइड्रोप्यूरान रिंग है वो वहाँ पर अटैच हो चुकी है, और 1 CO सब्स्टिट्यूट हो चुका है, मीन्स 1 कार्बोनिल को निगलेक्ट करके यहाँ पर ये रिंग सब्स्टिट्यूट हो चुकी है, निगलेक्ट नहीं उसको रिमूव करके। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, जिसमें ये मेटल कार्बोनिल को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेट किया जाता है, उसके बाद उस एक्टिवेशन मीन्स उसको अनस्टेबल किया जाता है। उस अनस्टेबल किस तरह से किया जाता है, मान लीजिए कि ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ से 1 CO निकल जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसोसिएशन होगा, तो 1 CO निकल जाएगा, तो वो 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब जो 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन गया तो वो अनस्टेबल हो चुका है, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन हो तभी वो स्टेबल रह सकता है। तो वो क्या करेगा, कोई भी अनोदर लिगेंड हो गया वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा और अपना 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फिलअप कर लेगा। तो इसी तरह ये वर्क करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसोसिएशन होगा और उसके बाद कोई लिगेंड होगा तो उसका एसोसिएशन के थ्रू और रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, और हमको डिफरेंटली सब्स्टिट्यूटेड कॉम्प्लेक्स में मिलते हैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये वही कॉम्प्लेक्स है जिसमें इस ये रिंग आपको सब्स्टिट्यूट इस तरह से कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पर 2 कार्बोनिल फर्स्ट ऑफ ऑल निगलेक्ट हो जाएंगे, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और फिर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इस रिंग इस लिगेंड के साथ रिएक्ट करके वो अपना 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये जो लिगोरिन है वो क्या है, वो है पेट्रोकेमिकल फ्रैक्शन है, वो सोलवेंट के जगह यूज़ कर सकते हैं आप लोग उसको। यही ये भी एग्जांपल वही है जिसमें मिथाइल साइनाइड को सब्स्टिट्यूट कराया गया है, यहाँ पर 3 CO का रिप्लेसमेंट करके, और उसके बाद बेंजीन रिंग उस पर सब्स्टिट्यूट की गई है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो ये थी एक्टिवेशन रिएक्शन की, जिसमें हम लोग मेटल कार्बोनिल को एक्टिवेट करके कोई नया लिगेंड उसमें अटैच कर सकते हैं। ये बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट होता है, वो वहाँ पर ये यूज होती है। अब कोलमैंस रिएक्शन, तो ये रिएक्शन भी बहुत एप्लीकेबल है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, वहाँ पर भी हम लोग कोई ऑर्गेनिक मोलिक्यूल में कोई डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन आपको करवाना हो तो ये रिएक्शन मोस्टली यूज होता है। इसमें इसकी प्रिपरेशन किस तरह से होती है, तो ये हम लोग देखते हैं। ये है Na2FeCO4, यहाँ पर देख लीजिए मेन मेटल है वो कौन सी है, Fe है, तो Na क्या है, Na2 है, मीन्स यहाँ पर जब इसका डिसोसिएशन करवाओगे तो यहाँ पर चार्ज क्या आएगा Fe के कॉम्प्लेक्स पे, -2 आएगा, तो इस चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए सोडियम मेटल यहाँ पर होती है। कोई भी कॉम्प्लेक्स में आप कहीं भी देखोगे तो ये आगे उसके मेटल होती है, वो क्यों होती है,
उस कॉम्प्लेक्स में जितना चार्ज होगा उस कॉम्प्लेक्स के पर -2 -3, इसी तरह यहाँ पर मेटल के नंबर होते हैं। इसी तरह यहाँ Na2 FeCO4 उसकी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो R ग्रुप है वो Fe के साथ अटैच हो जाएगा, इंसर्ट बोलते हैं उसको, इंसर्ट हो जाता है Fe के बीच में। तो यहाँ पर देख सकते हैं R FeCO4 हो गया। अब इसकी रिएक्शन कार्बोनिल के साथ करवाएंगे तो ये कार्बोनिल ग्रुप कहाँ पर इंसर्ट होगा, ये R और Fe के बीच में जो बॉन्ड होगा वहाँ पर इंसर्ट होगा कार्बोनिल ग्रुप। तो हमको इस तरह से कुछ कॉम्प्लेक्स मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कोलमान रिएजन। अब डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होते हैं, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करके हम लोग डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, ये सारा का सारा निकल जाएगा, ये सारा का सारा, और यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा तो ये हमको प्रोडक्ट में मिलेगा विथ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। सो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉम्प्लेक्स लिया है कोलमान रिएजन का, तो इसकी X2 मीन्स हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये यहाँ पर 2 हेलोजन एटम है तो 1 हेलोजन एटम ये RCOOH बन जाएगा, देखिए यहाँ पर, और 1 हेलोजन एटम इस कॉम्प्लेक्स के साथ चला जाएगा। ओके, इस कॉम्प्लेक्स को तो भी स्टेबिलिटी चाहिए, वो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो भी अनस्टेबल होगा ना, तो इसी वजह से ये हेलोजन वहाँ पर चला जाएगा। अब O2 और H+ के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OH ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पर OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और 1H यहाँ इसके साथ चला जाएगा कॉम्प्लेक्स के साथ। इसी तरह इसकी H+ के थ्रू रिएक्ट करवाएंगे तो यही बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से H+ अटैच हो जाता है तो RC डबल OH बन जाता है ये aldehyde। अब उसकी अनदर अल्काइल हैलाइड से के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, हमको ये कीटोन मिल जाएगा, रिएक्शन कहाँ पर होगी, ये बॉन्ड ब्रेक होके। ओके, सभी रिएक्शन में वहाँ से ही बॉन्ड ब्रेक होता है क्योंकि तभी हमको ऑर्गेनिक मोलिक्यूल मिलता है ना, अनदर तो ये Fe तो इनऑर्गेनिक हो जाएगा। ओके, तो ये था कोलमान रिएजन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल एनायन। अब इस ये किस तरह से फॉर्म होता है, तो ये फॉर्म होता है रिडक्शन के थ्रू और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करवाने से। अब रिडक्शन के थ्रू क्या किस तरह होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा उसका हम लोग रिडक्शन कर देंगे तो एनायोनिक कॉम्प्लेक्स हमको प्रोड्यूस होगा, तो ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स होगा। किस तरह से एनायोनिक कॉम्प्लेक्स हमको पता चलेगा कि एनायोनिक है, जब इसका हम लोग डिसोसिएशन करेंगे इस कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं एनायोनिक कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होगा, जब इसका डिसोसिएशन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आता है और ये सोडियम मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसका रिडक्शन किस तरह से रिडक्शन, यहाँ पर मैंने बताया कि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, वो क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर वो खुद ऑक्सीडाइज होती है, खुद Na में से Na++1 इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडाइज होगी और वो मेटल इसका रिडक्शन कर देगी। तो इसी तरह यहाँ पर 2 times Na MnCO5 का कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होगा, वो एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। क्या है वो, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। इसी तरह CO2CO8 में भी वही रिएक्शन। अब यहाँ पर दूसरा दिया गया है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के थ्रू भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, वो किस तरह से, ये है FeCO5 है, अब ये NaOH, अब Na का डिसोसिएशन करवाएंगे तो क्या होगा, Na+ और OH- और वो जो OH- होगा वो क्या होगा, वो एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के थ्रू एक्ट करेगा और इसी तरह यहाँ पर अटैक होगा ये कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हाइड्रोजन से इंसर्ट होगा CO2 को निगलेक्ट करके और उसकी फिर हम लोग सोडियम हाइड्रेट के थ्रू रिएक्ट करवाएंगे तभी हमको ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ओके, तो ये था फॉर्मेशन ऑफ एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। अब इसी तरह हम लोग कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी मेथड थोड़ी डिफरेंट है, वहाँ पर ऑक्सीडेटिव कार्बोनाइल होता है, कार्बोनाइलेशन होता है, यहाँ पर क्या होता था रिडक्शन, एनायन प्रोड्यूस करने में रिडक्शन करवाना पड़ता था, केटायन प्रोड्यूस करने में हमको कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन कार्बोनाइलेशन मीन्स
कार्बोनिल का एडिशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव कार्बोनाइलेशन, जिसमें कार्बोनिल ऐड होगा। ओके, तो किस तरह से यहाँ पर देखिए तो FeCO5 है। ओके, अब ये सभी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके फाइनली हमको FeCO6 मिलती है। FeCO6 टाइप का कॉम्प्लेक्स मिलेगा तो यहाँ पर CO5 में से CO6 हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव कार्बोनाइलेशन। ओके, तो ये था ऑक्सीडेटिव कार्बोनाइलेशन। ये रिएक्शन में देखें तो Mn2CO6 मीन्स ये, तो ये Mn2CO10 वाले कॉम्प्लेक्स में भी वही तरह से होगा, Mn2CO10 उसी तरह से होगा। Mn2CO10 ये सभी रिएजेंट है, ये 2CO यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। Mn2CO10 का आप लोग 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा, MnCO5 होगा ना, MnCO5। अब यहाँ पर क्या हुआ है, MnCO6 मीन्स 1 कार्बोनिल इंक्रीज हो चुका है। तो यही है फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कैसायन मीन्स कार्बोनिल कैसायन मेटल। यह ऑक्सीडेशन कार्बोन ऑक्सीडेटिव कार्बोनाइलेशन से प्रोड्यूस होता है, वो तो हमने बात की। अब कार्बोनिल हाइड्राइड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, कि जब कोई कार्बोनिल एनायन हो और कार्बोनिल हैलाइड हो और डाइमेरिक कार्बोनिल कोई हो उसमें से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। किस तरह, कार्बोनिल कैसायन है ये, इसकी हम लोग H+ के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हमको कार्बोनिल हाइड्राइड मिला, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल हाइड्राइड। ओके, उसके बाद कार्बोनिल हैलाइड है, उसकी हम लोग NaBH4 ये है रिड्यूसिंग एजेंट, इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, H2FeCO4 ये भी कार्बोनिल हाइड्राइड है, क्या है, कार्बोनिल हाइड्राइड। दूसरा कॉम्प्लेक्स है Mn2CO10, उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन की तो ये भी कार्बोनिल हाइड्राइड, ये भी सारा के सारा क्या है, कार्बोनिल हाइड्राइड है, यही सारे के सारे इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। कार्बोनिल एनायन में से रिएक्ट करवा के कार्बोनिल हैलाइड कंपाउंड से और डाइमेरिक कार्बोनिल, डाइमेरिक मीन्स ये Mn2CO10, इसको हम लोग डाइमेरिक कार्बोनिल बोलते हैं। यहाँ पर गौर से देखोगे तो ये एसिडिटी शो करते हैं, कार्बोनिल हाइड्राइड है वो एसिडिटी शो करते हैं, मीन्स फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है उसकी PO1 है, जब PO कम होती है तब उसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जब PO की वैल्यू कम होगी तब उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इसकी तो 1 है तो उसकी एसिडिटी HCl की कंपेरेबल होगी। इसी तरह यहाँ पर दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में 4.7 उसकी एसिडिटी है तो ये एसिडिक एसिड की कंपेरिजन में होगी। यहाँ पर बॉटम में जाओगे आप लोग ऊपर से बॉटम तक तो यहाँ पर HCl CH3 COOH H2S है, H2O है, तो एसिडिटी कम होती जा रही है, पानी की तो एसिडिटी होती ही नहीं है क्योंकि वो तो न्यूट्रल है। ओके, तो PO2 की वैल्यू में क्या चेंजेस आता है, तो वो इंक्रीज होती जा रही है, तो ये आपको याद रखना है कि जब PO2 की वैल्यू हायर होगी तब उसकी एसिडिटी क्या होगी, लोअर होगी, जब PO2 की वैल्यू लोअर होगी तब उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। ओके, तो ये थी कुछ बातें केमिकल रिएक्शन की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लिगेंड सिमिलर टू कार्बोनिल, कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो कार्बोनिल जैसी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, वो कार्बोनिल जैसे सिमिलर है मीन्स कार्बोनिल के सिमिलर है वो लिगेंड, तो उसकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।